गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम समर स्टडीज़ के एक नए टॉपिक सॉइल के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है और साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, जिसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द मोस्ट सुइटेबल आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों का सुइटेबल आंसर्स को टिक करना है, मतलब जो सही है उसे टिक करना है, अच्छे से जो सही है, सबसे ज़्यादा जो सही है उसे टिक करना है। ठीक है, देखिए, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल क्या कंटेन करता है? एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो इन तीनों का आप देख सकते हैं, ये सब तो होते हैं हम जानते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट्स एनिमल्स दोनों आएंगे, मिनरल्स आएंगे और फिर एयर और वाटर, ये दोनों आएंगे, यानी इसमें सभी के सभी है, यानी ये ही सुइटेबल आंसर है इसका। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि रॉक पार्टिकल्स के अलावा इसमें क्या होता है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर होता है। फिर नेक्स्ट, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई इन, सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस टाइप के सॉइल में होती है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। ये होगा सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और सबसे कम क्ले सॉइल में होती है, सबसे कम, इसमें लीस्ट, इसमें सबसे कम और इसमें सबसे हाई। ठीक है, अब नीचे एक फैक्ट लिखा है, सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। सॉइल जो वाटर होल्ड करता है अपने अंदर, उसे क्या कहते हैं? सॉइल मॉइस्चर, उसे सॉइल मॉइस्चर कहते हैं।